बच्चों, पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपके लिए फर्स्ट पेज की रीडिंग की थी और उसको एक्सप्लेन किया था। अब ये हमारे पास है सेकंड पेज और इसकी रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने डाल दिया है लिंक जिसमें आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हो अपने घर पे अपने टाइम के हिसाब से। तो ये सेकंड पेज मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। यानी कि वो बच्चों से बहुत ही जल्दी वहां से भाग जाता है, उनके हाथों से निकल जाता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वॉर्म्थ। कहने का मतलब है कि इस पैराग्राफ में उसने, ये राइटर ने हमें ये बताया है कि वो बच्चों से भाग जाता है, उनके हाथों से निकल जाता है, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। उसने बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया था अपनी डिस्कवरी को इम्प्लीमेंट करने का। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो टाइम था लंदन में ये था मिड विंटर का, और मिड विंटर में वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और कपड़ों के बिना रहना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो वो क्या करता है, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, बिटरली कोल्ड, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट द क्लोथ्स। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स, यानी स्ट्रीट्स के ऊपर चलने से अच्छा उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो एक लंदन में एक स्टोर में, बड़े से स्टोर में चला जाए और वहाँ अपनी रात जो है वो गुजारे। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्सिस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लोथ्स सून with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat. He had become a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो वो क्या करता है कि क्योंकि अब दुकान बंद या स्टोर बंद होने का टाइम हो गया है, तो वो क्या करता है, जब देखता है कि लोग वहाँ से जा रहे हैं तो वो क्या करता है, छुप जाता है वहाँ पे। कैसे? क्योंकि स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, तो उसको वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, खाने के लिए ग्रॉसरी स्टोर से उसको खाना, ब्रेड मीट मिल जाता है, वाइन मिल जाती है पीने के लिए। और वो कौन कौन से कपड़े चूज़ करता है, वो क्या करता है, बॉक्सेस जो थे वहाँ पे कपड़ों के या किसी भी चीज़ के, उनको खोलता है और देखता है कि उनमें गर्म कपड़े पड़े हैं, तो वो गर्म कपड़े क्या करते हैं, वो पहन लेता है। उसको शूज़ मिल जाते हैं, वो शूज़ पहन लेता है, ओवरकोट मिलता है उसको पहनने के लिए, एक वाइड ब्रिम्ड हैट यानी कि बहुत बड़े आकार की जिसकी आगे पट्टी सी लगी होती है, वैसी एक हैट जो है वो उसको मिल जाती है अपने सिर पे डालने के लिए। तो वो क्या करता है, खाना खाता है, मीट खाता है, वाइन पीता है, कॉफ़ी पीता है। यहाँ पर वो क्या करता है, कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी पीता है, और रजाइयों, क्विल्ट क्या होती है, क्विल्ट होती है रजाई, तो वो रजाइयों का जो एक ढेर होता है, पाइल ऑफ क्विल्ट्स, तो उसके ऊपर जाके सो जाता है, उसमें घुस जाता है ताकि उसको ठंड से बचा जा सके। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता तो उसकी सारी चीज़ें जो थी वो ठीक से हो जानी थी, लेकिन वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। जब वो उठा तब स्टोर खुल चुका था। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw couple of them, अब यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिखे तो ये पिक्चर है, देखिए ये, this is, अगर आपको clearly visible हो तो ये देखिए, वो store से भागता है, ठीक है, तो वो store से भाग रहा है क्योंकि स्टोर वालों ने उसको देख लिया है, क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने हैं तो कपड़े जो हैं सब लोगों को विजिबल हो रहे हैं, और जब असिस्टेंट्स उसकी तरफ आते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से वहां से भाग जाता है। दे नेचुरली गेव चेज़,
और जो असिस्टेंट्स हैं, चेज होता है पीछा कर रहा, तो जब असिस्टेंट्स देख रहे हैं कि वो भाग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, यानी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, बट क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंडेड क्लोथ्स। और वो कैसे कामयाब होता है कि वो क्या करता है, अपने कपड़े जो हैं वो, जो उसने नए कपड़े अभी लिए थे, वो एक-एक करके उतारना शुरू कर देता है। ठीक है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ, ओके यहाँ पे है, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, बट नेक्ड, नेक्ड यानी विदाउट क्लोथ्स इन द चिल जनवरी एयर। तो अब ये ठंडी हवा जो थी वहां पे वो फिर से एकदम से बिना कपड़ों के हो जाता है और ठंड जो है उसको बहुत ज्यादा लग रही होती है। सून ही फाउंड अ सुइटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। तो अब क्या है, धीरे धीरे जब वो वहां से भाग रहा है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं एक थिएटर की कंपनी में घुस जाता हूँ, क्योंकि थिएटर में उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े भी मिल जाएंगे, मास्क मिल जाएगा मुंह को लगाने के लिए जिससे वो अपना मुंह छुपा सकता है। ठीक है, और इतनी ठंड में उसको थिएटर वर्ल्ड जो है वो दिख जाता है, और वहाँ फटाफट से वो उस दुकान में घुस जाता है, और क्योंकि उसको कोई देख नहीं पा रहा होता है, वो नेक्ड होता है, इसलिए वो घुस जाता है, अब ऊपर जाता है और वहाँ पे देखता है कि कुछ बैंडेजेस पड़े हुए हैं, तो वो बैंडेजेस को अपने मुंह के आसपास लपेट लेता है। ठीक है, और वो उसको क्या क्या मिलता है, वहाँ बैंडेजेस लगा लेता है अपने फेस पे, फोरहेड पे, उसके बाद डार्क ग्लासेस लगा लेता है आंखों पे, उसके बाद एक नकली नाक लगा लेता है, फेक नोज, उसके बाद बिग बुशी साइड विस्कर्स साइड पे लगाने के लिए बाल लगा लेता है, एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी हैट लगा लेता है, टू एस्केप विदाउट बींग सीन, ताकि उसको कोई ना देख सके और वो वहां से भाग जाए। ठीक है, तो उसके आगे है, ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और वो जो शॉपकीपर होता है वहां पे वो उसके ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसको रॉब कर सके, यानी उसको लूट सके और उसके पास जो पैसे हैं वो वहां से ले सके। तो वो क्या करता है, उसको मारता है, आफ्टर विच ही ड्रॉप्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितने भी पैसे उसके पास होते हैं तो वो उनसे वो सारे पैसे जो है वो लूट लेता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक टू रूम्स एट अ लोकल इन। तो क्या करता है, अब उसको पता है लंदन में बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या करता है, वहां से भागने के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और एक गांव में चला जाता है जिसका नाम है आईपिंग। ठीक है, अब आईपिंग में वो क्या करता है, दो कमरे अपने लिए बुक कर लेता है और वहां पे रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इतनी ठंड में अब हम आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे एक हमें मिलेंगी इनकी जो ओनर है मिसिज हॉल, वो क्या सोचती है साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, वट वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंट एक्सेंट्रिक। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी, स्टडी में क्या होता है, और तीसरा है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन, वहां पे और अलग अलग चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। यहां तक आपको पता चल गया है कि वो अब लंदन से भाग के एक विलेज है आईपिंग, जहां पे मिसिज हॉल की इन में उसने कमरा अपने लिए बुक कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।